Hello, everyone. My name is Pritham Paul, and welcome to another video of the GitHub playlist. Here in this video, we are going to discuss like we are going to add more concepts. Uh, in the previous video, I have talked about like uh, what is the push, pull, what is staging area, and all and basics of this part. So, pull was remaining, and push and cloning I have done, uh, committing I have shown you guys. So, we will be uh, continuing that uh, video here. Okay now let's create another branch now how to create a branch okay so uh, to create a branch what you have to do that create a branch then switch into a branch these are the topics which we will be talking about and uh, for this there is a command git checkout Minus b and branch name okay and uh okay and if I copy and paste here for this one this minus b option will not be there okay this is the basic thing chello uh this one is for this one again this one is for this one chello take a now, let's uh, go to VS Code and let's do some operation on this. Git checkout minus p ether underscore dev. So, switch into a new branch. So, by git branch command, you can get to know that actually where you are, like in which branch you are there. Okay. Oh, okay. वारंटी ओके सो वन, ठीक है अभी नाउ uh, हमको पता चल गया न्यू ब्रांच पे अपन आ गए चलो ठीक है, अभी क्या करते, है? एक uh, और चीज करते हैं यहाँ पे बैठ के, विल क्रिएट वन फॉर एग्जाम्पल वन सी फाइल ओके प्रोग्राम वन डॉट सी और क्या करें सीपीपी ले सीपीपी भी ले सकते हैं सीपीपी भी ले सकते हैं रिटेन पे जाते हैं चलो सी कर देते हैं चलो ठीक है अभी क्या होता है इनक्लूड आयोस्ट्रीम चलो सी आउट वेलकम चलो ठीक है एक और काम करते हैं यहाँ पे एक एंडल भी डाल लेते हैं लिनक्स है ना लिनक्स बेस्ड है तो चाहिए होगा चलो ठीक है एंडल डालते हैं तो लेट्स रन दिस आ गया वेलकम फ्री ठीक है अभी एक सी फाइल भी लेते हैं चलो ये वाला जो है इसको डिलीट कर देते हैं अपने को ये एक्सी फाइल नहीं चाहिए ठीक है हम काम करते हैं हम एक फोल्डर बनाते हैं एक और

मतलब क्या बताऊँ वैसे टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है मुझे तो अच्छा अब आज तो अच्छा अभी तो अच्छा नहीं लगता आई लव लिनक्स लवि मैक में भी थोड़ा ठीक है लिनक्स का मतलब टर्मिनल वगैरह बहुत ज्यादा यूज करता हूँ तो है। है, चलो तो अभी क्या करते हैं अपन पाइथन Python... वर्जन देखते हैं अपना चलो थ्री पॉइंट ट्वेल्व है तो पाइथन भी यूज कर सकते हैं या फिर पाइथन थ्री भी यूज कर सकते हैं मैं पाइथन थ्री यूज कर रहा हूँ ठीक है सो वी वीन बी Mine, Mine, Python, करते हैं एंटर मारते हैं फिर चलो क्रिएट हो रहा है हो गया ठीक है कैसे पता चला हो गया यहाँ पे देखो एक फोल्डर क्रिएट हुआ हुआ है ठीक है मैं काम करता हूँ ये वाला जो पैनल है ना इसको नीचे ले जाता हूँ मैं ठीक है तो अच्छा रहेगा टर्मिनल नीचे ही रहेगा तो अच्छे से दिखता है सारी चीजें चलो यहाँ पे देखो एनवायरमेंट बन गई अभी यहाँ पे एक पैथन फाइल बनाते हैं कि प्रोग्राम वन नॉट पाई ठीक है ये देखो वर्चुअल बनाए वर्चुअल के अंदर इंक्लूड लीव वगैरह सारी चीजें हैं साइट पे उसका ट्रू कर सकते हो बहुत सी चीजें कर सकते हो आप और अब अगर आपको नहीं पता कैसे काम करते हैं अब देख लो मेरा पाइथन का प्लेलिस्ट है वहाँ पे वर्चुअल बहुत अच्छे से समझा के दिया हो मैं दो वीडियोज में मतलब ठीक है अंडरस्टैंडिंग के लिए वो है अभी के लिए ठीक है डाइव करता है तो बहुत सी चीजें और बनती है और वो अपन काम करते करते सीखते हैं ठीक है चलो अभी क्या होता है ना यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं प्रिंट करते हैं चलो अ वेलकम रिपर गाइस अब ये मत बोलना पाइथन कितना कूल है सी प्लस उसमें इतना लाइन लिखना पड़ा पाइथन में एक लाइन ऐसा नहीं है दोनों लैंग्वेजेस के बेनिफिट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं ऑब्वियसली दोनों के दोनों लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो यूज तो करना होता है दोनों को इंडस्ट्री में ठीक है ठीक है।, है अभी इसको रन करते हैं तो देखो ये भी आ गया ठीक है अच्छी बात है तो हम लोग क्या करते हैं अपने ये देखो माइनस यू मा, सॉरी यू यू करके आ रहा है ना अभी इसका मतलब क्या पता है गिट में इसका मतलब है अनट्रैक्ट दिखाता हूं कैसे चलो गिट स्टेटस करते हैं क्या होता है फाइल्स, देखो। ये दोनों फाइल्स है इसीलिए दिखा रहा था ठीक है सारी की सारी चीजें अनट्रैक्ट है python codes के अंदर अपन ने ये फोल्डर भी डाला हुआ है तो पूरा का पूरा python codes को अनट्रैक्ट बता रहा है वो फोल्डर इसलिए वो स्लैश करके दे रहा है और ये सी है इसलिए नॉर्मल वन फाइल है तो इसके अंदर है चलो अभी अगर अपन एल करते हैं और अगर python codes के अंदर जाते हैं फिर करते हैं गिट स्टेटस तो क्या होता है देखते हैं तो देखो वही आ रहा है डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश मतलब एक फोल्डर पीछे आओ ठीक है पीछे आके फिर प्रोग्राम ऑन देखो और डॉट फ्लैश का मतलब है पूरा का पूरा फोल्डर ही अनट्रैक्ट ठीक है थीके? ऐसा करके होता है ऐसा नहीं है कि इसके अंदर आएंगे तो मैं इसलिए क्यों दिखा रहा हूँ लोगों को थोड़ा डाउट रहता है कि लाइक अच्छा चलो इसके अंदर जाके फिर देखते हैं तो शायद कुछ और भी पता चल ऐसा नहीं होता ठीक है पूरा का पूरा फोल्डर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं गिट फोल्डर जो है उसी के अंदर जो जो सारे को दिखाएगा ठीक है चलो फिर हम लोग करते हैं सी डी डॉट डॉट ठीक है एंड

फिर अब क्या 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 करते हैं अपन कि गेट ऐड हाँ प्रोग्राम वन डॉट सी पी पी एक है वो वाला लेते हैं ठीक है उसको ऐड करते हैं फिर ऐड करते हैं गेट ऐड पाइथन कोड्स स्लैश प्रोग्राम वन डॉट पाई उसको ऐड कर दिया अब करते हैं गेट स्टेटस अभी देखो untracked फाइल कौन सा है पूरा का पूरा जो वर्चुअल एनवायरमेंट के मैंने फोल्डर बनाया था उसको मैंने untrack करके रखा हुआ है एंड जो चेंजेस मेरे को चाहिए पुश करने के लिए वो चेंजेस मैंने चेंजेस टू बी कमिटेड ठीक है वो मैंने स्टेजड एरिया में डाल दिया ऑलरेडी ठीक है स्टेजिंग के लिए वो रेडी है अभी कमिट करना हैं ठीक है थीके? चलो git commit -m 1 uh, python file and 1 script file add it

कि गेट पुश कौन से ब्रांच से कर रहे हो को डालना प्रीतम डेव इट्स वेरी ठीक है है ये बहुत ज्यादा अभी अपन देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ठीक है चलो एक नया ब्रांच आ गया अभी देखने को मिल रहा है प्रीतम डेव अच्छा चलो प्रीतम डेव में जाते हैं तो देखने को मिलेगा कि अच्छा चलो अरे ये पाइथन कोड्स प्रोग्राम डॉट सी पी -पी आ गया चलो ये देखते हैं ये देखो पूरा का पूरा कोड आ गया ठीक है पाइथन कोड्स के अंदर जाएंगे तो ये वाला भी आ गया अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है ठीक है क्या होता है ना पिछली वीडियो में मैंने तुमको क्लोन करना सिखाया लेकिन डायरेक्टली क्लोन करना सिखाया बाय डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट ब्रांच होता है यहाँ पे देखो एक डिफॉल्ट ब्रांच बना हुआ है मेन वो तो वो उसी को क्लोन करेगा लेकिन अपने को अगर ये वाला ब्रांच क्लोन करना है पर्टिकुलरली तो क्या करेंगे अपन ठीक है तो क्या करते हैं यहाँ पे कोर्ट बेस है उसको कॉपी करते हैं अपने फाइंडर में जाते हैं डेमो यूट्यूब के अंदर यूट्यूब टूट के अंदर एक और फाइल बनाते हैं कि टेम्प करके एक फोल्डर बनाते हैं और उसके अंदर जाते हैं फिर यहाँ से टर्मिनल को ओपन करते हैं आप लोग सी वगैरह ओपन करोगे अगर विंडोज पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है आप देखो पहले देखो और समझो सारी चीजों को तो जाके करना ठीक है अभी क्या होता है ना अगर मेरे को वो वाला कोड चाहिए सिर्फ तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डायरेक्टली पहले क्लोन कर सकता हूँ फिर मैं स्विच इन टू न्यू ब्रांच कर सकता हूँ चलो अभी अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मेन पे वापस जाना तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि गिट चेकआउट मेन करेंगे तो मेन पे स्विच हो जाएगा अभी अगर आप लोग गिट ब्रांच देखोगे तो मेन आएगा वो ठीक है ठीक है अपन कर सकते हैं ऐसे लेकिन मेन पे मेन पे आप देखोगे तो ये सारे फाइल्स की नहीं है ठीक है ये सारे फाइल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं मेन पे ठीक है तो दैट इज द थिंग ठीक है तो क्या हो रहा है ना और उसको तो मैंने ऐड नहीं किया था स्टेजिंग में तो वो मेरे लोकल पे इसीलिए ऐसा करके दिखा रहा है कि अनट्रैक्ट ठीक है सारी चीजों को अनट्रैक्ट दिखा रहा है इसीलिए दिखा रहा है ठीक है तो बाकी सारी कोर्ट्स तो है नहीं तो हम लोग वैसा कर सकते हैं कि हम लोग डायरेक्टली क्लोन लोन करें और करने के बाद अपना ब्रांच चेंज कर ले तो सारे के सारे कोर्ट वहां पर लोकल आ जाएंगे ये हो सकता है लेकिन इसके अलावा भी एक और स्मार्ट वे है टू डू इट टू यूज दिस कमांड सिंगल ब्रांच ठीक है ब्रांच का नाम क्या है ब्रांच का नाम है प्रीतम अंडरस्कोर डीएफ फिर डालो इसको पेस्ट करो और फिर क्लोन करो ठीक है हो गया क्लोन चलो सीडी करते हैं एलएस करते हैं देखो सारी कोड्स अवेलेबल है ठीक है अभी अपन क्या करते हैं अपन एक कोड स्पेस डॉट करते हैं चलते हैं वहां पे देखते हैं अरे यार सारी की सारी चीजें ठीक है एक टर्मिनल ओपन करो ठीक है टर्मिनल ओपन करके यहां पे देखो गेट ब्रांच कौन कौन है ओनली प्रीतम डेव आपको मिलेगा लेकिन जैसे मैं कर रहा था पहले तो इसे दोनों को दोनों ब्रांचेस आ रहे हैं अभी मेन ब्रांच का नाम और निशान भी नहीं है पे ठीक है तो अगर आपको पर्टिकुलरली कोई ब्रांच से क्लोन करना है तो यू कैन यूज दिस कमांड ये वाला कमांड याद रखना ठीक है ये वाला कमांड याद रखना लगेगा तुम लोगों को ठीक है मैं यहां पे डाल देता हूं ठीक है आह uh, क्लोन का कमांड तो मैंने डाला नहीं सॉरी चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे लाते हैं क्लोन करने के दो तरीके होते हैं ठीक है पहले तो एक है कि जो है, कमांड ऑलरेडी है फिर यहाँ आप पे आप आपको ब्रांच नेम देना है फिर देना है आह पोर्ट यूआरएल और रेपो यूआरएल यू कैन से दैट बी बेटर अगर किसी सिंगल ब्रांच से क्लोन करना है तो ठीक है अगर नॉर्मली क्लोन करना है तो क्या होता है गेट क्लोन बस यू आर एल डाल दो बात खत्म ठीक है ठीके? तो दैट इज द वे अगर तुमको डायरेक्टली क्लोन करना है तो ये यूज कर सकते हो अगर तुम लोगों को वैसे नहीं करना है सिंगल ब्रांच से निकालना है तो, तो तुम कर सकते हो ठीक है। फॉर एनी पार्टिकुलर पर्टिकुलर ब्रांच ठीक है तो वो तुम लोग कर सकते हो ठीक है तो वैसा है ठीक है क्लोन करने के दो ही तरीके हैं ये दोनों है नॉर्मली ठीक है इतना तो समझ में आ गया चलो अभी ये सही है अभी अपने को वो नहीं चाहिए ये देखो को चाहिए नहीं अभी ठीक है क्या करते हैं अपन जाते हैं टेंट वाला डिलीट कर देते हैं अपने को नहीं चाहिए वो बस एक टेम्प्री के लिए मैंने बनाया था आप लोगों को दिखाने के लिए बस ठीक है ठीक है चलो अब क्या करते हैं ना यहाँ पर आ, हम लोग एक ब्रांच बनाते हैं ठीक है वो ब्रांच को बनाएंगे ठीक है लेकिन अच्छा चलो एक काम करते हैं आ, कैसे दिखाऊ है? एक और ब्रांच मैं यहां पे बना देता हूँ ठीक है एक ब्रांच न्यू ब्रांच करके एक बनाता हूं मैं ऑल ब्रांचेस में जाते हैं न्यू ब्रांच में जाते हैं कहां से बनाना है कहां से बनाना है अपने को मेन से बनाते हैं ठीक है ब्रांच का नाम देते हैं टेम्प प्रीतम ठीक है मेन ब्रांच से बना रहा हूं तो मेन के जो कोड्स है सारे के सारे कॉपी गए यहाँ पे आएंगे ठीक है क्यों मैं बता रहा हूं क्योंकि अपने को पुल करना है को ठीक है तो पुल अपन करेंगे प्रीतम डेव वाला जो ब्रांच है वहां से हम लोग पुल करेंगे ठीक है तो उससे पहले मैं मैं मेन से ले लेता हूं ठीक है देखते हैं नया ब्रांच बन चुका है चलो टेमप चलो बन गया ठीक है टेम प्रीतम चलो अभी क्या करते हैं एक पुल लेता हूं मैं पुल ओरिजिन मेन सो एवरीथिंग इज अप टू डेट वो क्या होता है पुल लेना क्या होता है पुल लेना ये होता है कि आप किसी ब्रांच से कोड को अपने ब्रांच पे डाल रहे हो ठीक है यहाँ पे अगर मैं काम करता हूँ माइनस बीम अंडर स्टोर करके मैं एक बनाता हूँ ठीक है फिर मैं काम करता हूँ गेट चलो अभी नॉर्मली क्या होता है ना जब नया ब्रांच बनता है तो डिफॉल्ट ब्रांच से बनता है ठीक है तो गेट आ, अगर मेरे को पुल लेना है गेट पुल ओरिजिन अगर मैं डेव अंडर प्रीतम से डालू तो उस ब्रांच अरे यार सॉरी गेट चेकआउट सॉरी गेट पुल गेट ब्रांच कर लेते हैं टेम प्रीतम में है अभी करना है गेट पुल ओरिजिन प्रीतम डेव क्या होगा सारी की सारी जो कोड चेंजेस है ना प्रीतम डेव के अंदर वो आ जाएंगी इस ब्रांच में कोई और ब्रांच भी हो सकता है ठीक है नॉर्मली गिट पुल करोगे तो डिफॉल्ट ब्रांच से ही आएगा तो यहां पे प्रीवियसली क्या हो रहा था ये कोड्स नहीं थे हमारे पास ठीक है अभी आ रहे हैं कोड ठीक है और ये वाला रहेगा क्योंकि ये ऑलरेडी मेरे लोकल पे है तो वो रहेगा वो हटेगा नहीं ठीक है सो बस यही था यहाँ पे जो मैंने बता रहा था गिट पुश कैसे करते हैं पुल कैसे कर करते हैं कमिट कैसे करते हैं ये बता दिया नया ब्रांच कैसे बनाना है स्विच कैसे करना है सारी चीज़ें मैंने बता दी और क्लोन करने का एक नया तरीका भी आप लोगों को बता दिया इस वीडियो में चलो ठीक है आप लोग प्रैक्टिस करो ये सारी चीज़ें नहीं तो भूल जाओगे एंड लेट्स सी इन द अपकमिंग वीडियोज़ नए नए और टॉपिक्स गिट के ऊपर मैं लाऊंगा ठीक है आज के लिए यहीं तक है ये बेसिक्स है आप लोग देखो और कुछ समझ में ना आए तो बताना कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी है और अगर आप चाहो तो लिंकड पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हो नॉट अ प्रॉब्लम चलो ठीक है देखते हैं एंड कीप कोडिंग